हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और इसके बाद हमसे कहा गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2:3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब यही कार 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब इस क्वेश्चन को हम स्टूडेंट्स आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। मान लीजिए कि आपकी कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 2 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 × 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर। यानी 1 लीटर पेट्रोल में अगर 10 किलोमीटर चल रही है आपकी कार, तो 2 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर। यही क्वेश्चन अगर ये होता कि बताइए कि 3 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, तो आप 3 × 10 कर देते यानी 30 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाता कि 4 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, तो आप 4 × 10 करते तो 40 किलोमीटर आ जाता। अब यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए यहां पर अब हम इसको सोल्व करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। यानी 1 लीटर पेट्रोल में ये कार जो डिस्टेंस कवर करती है वो इक्वल है 16 किलोमीटर के। और उसके बाद हमने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन 2:3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 2:3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में ये कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इज इक्वल टू 16 × 2:3/4। यानी 1 लीटर में जितना डिस्टेंस कवर करती है ये कार, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना लीटर ऑफ पेट्रोल अब हमसे पूछा गया है, जो कि इस कार में अब यूज हो रहा है। तो अब कितना पेट्रोल यूज हो रहा है, 2:3/4 लीटर। तो अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, 16 तो एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 4 × 2 8, 8 + 3 11 होता है, तो यहां न्यूमरेटर में 11 आ गया, अपॉन में 4 है, तो ये 4 एज इट इज आ गया। अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो यहाँ न्यूमरेटर में 16 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है। ये 16 और 4 को आपस में सोल्व किया जा सकता है, ये दोनों ही 4 से कटते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 × 4 एंड 4 × 4 = 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 4 है और यहाँ न्यूमरेटर में 11 है, तो 4 × 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 44। यहाँ अपॉन में इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ भी अपॉन में 1 है, 1 × 1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो फाइनल आंसर मिल गया है वो है 44 किलोमीटर। तो अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 2:3/4 लीटर में वो कार 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।